दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना के पास ऐसा क्या है जो अमेरिका और जापान के अलावा किसी और मुल्क के पास नहीं है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या है। दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन हर मुल्क को ये एहसास हो गया कि असल जंग इकॉनमी की जंग है, लिहाजा हर मुल्क अपनी इकॉनमी यानी कि माशियत को बेहतर करके सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। अब जाहिर है, ख्वाबों से तो कोई मुल्क सुपर पावर नहीं बनता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस जुमन में हर कोई नित नई ऐजाद करने के दर पे है। रुकिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात याद करवाना चाहता हूँ कि आज टेक्नोलॉजी का दौर है। हमारे रास्ते जितने तेज़ और महफूज होंगे, हम उतना ही जल्दी तरक्की कर सकेंगे। चाइना भी अपने इसी ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए तगोदो कर रहा है। इस जिद्दोजहद की सबसे बड़ी मिसाल ये कि दुनिया के 5 बड़े सुपर कंप्यूटर्स में से 2 चाइना के पास हैं। आज हम इन्हीं 2 सुपर कंप्यूटर्स में से एक के बारे में बात करेंगे, टियानी 2। ये मंसूबा 2015 में तकमील के लिए तय किया गया था, लेकिन इसे जून 2013 में ऑपरेशनल करार दे दिया गया। जून 2013 तक सुपर कंप्यूटर अभी मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होना बाकी था। तवक्को की जा रही थी कि 2013 के आखिर तक ये मंसूबा मुकम्मल कंप्यूटिंग सलाहितों को पहुंच जाएगा। इस कंप्यूटर को चाइना की एक डिफेंस यूनिवर्सिटी, जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी कहा जाता है, ने इंसपुर के साथ मिलकर बनाया। इंसपुर चाइना की एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका हेडक्वार्टर शेंडोंग जिनान में है। इंसपुर सर्वर बनाने, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर बनाने और दीगर इसी तरह के कामों के लिए जानी जाती है। इस जुमन में इंसपुर ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की तैयारी, यानी कि ऐसा बोर्ड जो कंडक्टिव ट्रैक को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आपस में मिलाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और इसके अलावा सिस्टम की इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग में भी हिस्सा डाला। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि इस कंप्यूटर को 1300 माहिर साइंसदानों और इंजीनियर्स की टीम ने बनाया था। इस कंप्यूटर को मिल्की वे 2 भी कहा जाता है। लिनपैक बेंचमार्क, जो कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस को मापता है, के मुताबिक मिल्की वे 2 33.86 पेटाफ्लॉप पर सेकंड पर ऑपरेट करता है। एक पेटाफ्लॉप 1000 टेराफ्लॉप्स के बराबर होता है। किस्सा मुख्तसर ये कि ये कंप्यूटर 33,860 ट्रिलियन कैलकुलेशंस एक सेकंड में परफॉर्म कर सकता है। थ्योरी के मुताबिक ये कंप्यूटर अपनी परफॉर्मेंस को 54.9 पेटाफ्लॉप पर सेकंड तक बढ़ा सकता है। अगर हम मशीन के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, तो इसमें इंटेल की IVI ब्रिज और Exynos 5 चिप्स इस्तेमाल की गई हैं। कोर्स की बात की जाए, तो इसमें 3.12 मिलियन प्रोसेसर कोर्स काम करती हैं। कोर्स की ये तादाद एक आम कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी अगर इंटेल कोर i9-10850K के प्रोसेसर की बात की जाए, तो इसमें भी सिर्फ 10 कोर्स हैं। जबकि जो Exynos 5 चिप इसमें इस्तेमाल की गई है, ये x86 मैनी कोर प्रोसेसर की सीरीज है, जिसको इंटेल ने खास तौर पर सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन के लिए बनाया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि चाइना ने 2.4 बिलियन युआन इस कंप्यूटर पर क्यों खर्च किए? आखिर इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाना था? तो इसका जवाब ये है कि इस कंप्यूटर को सिमुलेशन, एनालिसिस और गवर्नमेंट सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाना था। इससे पता चलता है कि चाइना अपनी इकॉनमी को मजबूत करने और तहकीकी कामों को बढ़ाने के लिए कितना कोशां है। जून 2013, नवंबर 2013, जून 2014, नवंबर 2014, जून 2015 और नवंबर 2015,
यानी कि 3 साल मुसलसल ये कंप्यूटर दुनिया का तेज तरीन सुपर कंप्यूटर रहा है। जून 2016 में यह रिकॉर्ड अबूर किया गया था। किसने किया? 2015 में ग्वांगजो डिस्ट्रिक्ट और सिटी इंतज़ामिया के साथ मिलकर इसकी कंप्यूटिंग की गुंजाइश को दुगना करने के लिए सन यार्सेन यूनिवर्सिटी के मंसूबों को अमरीकी हुकूमत ने CPUs और को प्रोसेसर बोर्ड की एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए इंटेल की दी गई दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रोक दिया था। अमरीकी पाबंदी के जवाब में चाइना ने कौन सा ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसने टियानी 2 को भी पीछे छोड़ दिया? ये सब हम आपको बताएंगे मगर सुपर कंप्यूटर्स की अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।